हेलो, स्वागत है आपका कैड कैम से लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए कैड कैम से लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। नाउ सॉलिड वर्क्स में अप्लाइड फीचर्स में ऑलमोस्ट स्केच फीचर्स जो भी है वो हमारे कवर हो चुके हैं। तो अब देखिए अप्लाइड फीचर्स में भी हमने फिलेट एंड चैम्फर कवर किया है, राइट? सो अप्लाइड फीचर्स में नेक्स्ट टूल आएगा पैटर्न्स, एंड पैटर्न में फर्स्ट टाइप है लीनियर पैटर्न। ओके, तो अब देखिए लीनियर पैटर्न के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने एक सिंपल रेक्टेंगल एक्सट्रूड किया है। ओके, एंड देन उस रेक्टेंगल पे एक स्केच निकाला है मैंने, आप यहाँ पे स्केच देख सकते हो। ओके, उसे डायमेंशंस दिए, रेडियस उसका 4 है, एक साइड से 12 है एंड ऑपोजिट साइड से भी 12 ही है। ओके, सो इसे फुल्ली कंस्ट्रेंट किया एंड देन इसे मैंने एक्सट्रूड किया है। ऑलराइट, सो ये यहाँ पे सिंपल सेकेंड पैड किया है। अब यहाँ पे देखो, मुझे ये जो मेन बेस है हमारा, इस पे ऐसे मल्टीपल पैड्स चाहिए मुझे। ओके, और मल्टीपल ये जो ब्लॉक मैंने क्रिएट किया है, ऐसे ब्लॉक्स क्रिएट करने, तो एवरी टाइम आपको यहाँ पे सर्कल निकाल के एक्सट्रूड करने का जरूरत नहीं है। ओके, अगर आपको एक एंटिटीज को मल्टीपल एंटिटीज चाहिए, सो यहाँ पे आप पैटर्न के टाइप्स है। ओके, टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स अवेलेबल है। ओके, तो हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट होगा लीनियर पैटर्न, लीनियर और आप इसे रेक्टेंगुलर पैटर्न भी बोल सकते हो। ओके, सो अब देखो पैटर्न टूल यूज करने के लिए फर्स्ट एक रहेगा, आपको जो भी थिंग पैटर्न करना है उसे सिलेक्ट कीजिए ट्री से। अब ये जो ब्लॉक है सेकंड सर्कुलर, इसे मैंने ट्री से सिलेक्ट किया एंड देन लीनियर पैटर्न पे क्लिक किया। अब देखो अपने आप यहाँ पे ये विंडो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड देन इसमें आप फाइंड आउट कर लो फीचर्स एंड फेसेस कहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो फीचर एंड फेसेस में बॉस एक्सट्रूड सिलेक्टेड है ऑलरेडी। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्टिंग में सिलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे आके इस ब्लॉक पे क्लिक कीजिए, अपने आप ये सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या रहेगा, अब देखो टॉप में डायरेक्शन 1 आ रहा है। ओके, तो आपको कौन सी डायरेक्शन में पैटर्न करना है वो डायरेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सो इस पर क्लिक कीजिए एंड फॉर एग्जाम्पल कोई भी एज आप सिलेक्ट कर सकते हो जिस डायरेक्शन में आपको पैटर्न करना है। सो ये एज मैंने सिलेक्ट किया। ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा डिस्टेंस एंड इंस्टेंसेस। अब मुझे डिस्टेंस कितना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 30 चाहिए, इन दोनों के बीच में 30 का डिस्टेंस चाहिए एंड टोटल 5 इंस्टेंसेस। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सो आप क्या कर सकते हो, इस डायरेक्शन एज के पीछे यहाँ पे एरो होगा, इसे रिवर्स कर दीजिए। अब देखो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ऑलराइट, सो टोटल 5 इंस्टेंसेस एंड इसमें डिस्टेंस 30 होगा। डिस्टेंस कम किया तो अब देखो ये क्लोज हो जाएगा। ओके, तो मुझे डिस्टेंस मैं 6 कर रहा हूँ, डिस्टेंस ज्यादा चाहिए एंड 5 किया मैंने यहाँ पे। एंड जब आपका ये हो जाएगा जस्ट ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे टोटल 5 इंस्टेंसेस आ गए। ओके, अब देखो अगेन आपको अगर इससे एडिट करना है, राइट क्लिक, एडिट फीचर्स। अब इसमें क्या होगा, अब फर्स्ट टाइप का स्पेसिंग एंड इंस्टेंसेस, इसके नीचे होगा अप टू रेफरेंस। स्पेसिंग एंड इंस्टेंसेस में आप ये ऐड कर सकते हो। अगर आपने अप टू रेफरेंस किया, अब आपको रेफरेंस यहाँ पे जहाँ तक इसे पैटर्न करना है वो सिलेक्ट करना होगा। सो मैंने ये एज और फेस सिलेक्ट किया। ऑलराइट, एंड नाउ इस फेस तक आपको डिस्टेंस कितना चाहिए और इंस्टेंसेस कितने चाहिए। फॉर एग्जांपल इस फेस तक मुझे 7 इंस्टेंसेस चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 6 एंड ये ओरिजिनल 7। अब देखो लास्ट इंस्टेंस जो है वो हमारा इस फेस पे जा रहा है, सो यहाँ पे अगर आपको ऑफसेट डिस्टेंस देना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे ही मैंने 10 इंसर्ट किया, अब देखो ये यहाँ से 10 पे आ गया। अब देखो स्टार्टिंग डिस्टेंस हमारा 12 था, सो मैं 12 कर रहा हूँ, तो यहाँ से 12 पे आ जाएगा ये भी। एंड ओके, तो आप दोनों वेज में पैटर्न कर सकते हो। अगेन एडिट फीचर, फर्स्ट था हमारा सिंपल स्पेसिंग एंड इंस्टेंसेस एंड सेकंड था हमारा अप टू रेफरेंस, ये 5 किया मैंने। ओके, अब देखो ये सिंगल डायरेक्शन में पैटर्न हो रहा है। अब अगर मुझे सेकंड डायरेक्शन में भी एक साथ पैटर्न करना है, सो डायरेक्शन 1 के नीचे देखो यहाँ पे डायरेक्शन 2 भी होगा। ओके, तो एक ही विंडो में आप दोनों डायरेक्शन में पैटर्न कर सकते हो। अब देखो इस पर क्लिक किया, ये सिलेक्ट किया डायरेक्शन, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा हूँ मैं 30 एंड देन नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। अब देखो ये 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। ओके, मीन्स टोटल 4 इंस्टेंसेस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में 5 हो रहा है, इस डायरेक्शन में 4 हो रहा है एंड ओके। एंड अब आप देख सकते हो ये आपका कंप्लीट पैटर्न हो जाएगा, मीन्स एक ही ब्लॉक से आपने इतने सारे मल्टीपल ब्लॉक्स क्रिएट किए। अब देखो इसमें और क्या ऑप्शन है, एडिट फीचर्स। अब डायरेक्शन जो है उसमें एक ऑप्शन आप नीचे देख सकते हो, पैटर्न सीड्स ओनली। ओके,
नाउ ये आपको पता है स्पेसिंग एंड इंस्टेंसेस अप टू रेफरेंस, ये डायमेंशन होगा, ये इंस्टेंसेस होगा। अगर मैंने पैटर्न सीड्स ओनली किया तो आप डिफरेंस देख सकते हो, जो आपका मेन पार्ट था वही सिर्फ पैटर्न हुआ। ओके पहले हमने किया था तो ऑल ये जो पैटर्न थे इनका भी पैटर्न क्रिएट हो रहा था, बट पैटर्न सीड ओनली में दोनों डायरेक्शन में ओनली आपका जो ओरिजिनल कॉम्पोनेंट है वही पैटर्न होगा। ओके तो ऐसे आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, पैटर्न सीड ओनली हटा दिया तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। राइट अब देखो नेक्स्ट रहेगा, फॉर एग्जाम्पल इस पैटर्न में ये जो मिडल में दो है ये मुझे नहीं चाहिए। ओके तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एडिट फीचर, अगेन जब भी आप पैटर्न कर रहे हो यहाँ पे देखो फीचर एंड फेसेस, यहाँ पे फीचर सिलेक्ट करोगे। अगर आपको ओनली फेसेस पैटर्न करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट होता है। ओके कंप्लीट बॉडी पैटर्न करना है तो बॉडीज में सिलेक्ट कर सकते हो। इसके नीचे देखो इंस्टेंसेस टू स्किप का ऑप्शन होगा। राइट तो इसे ओपन किया मैंने, अब देखो जैसे ही ये ओपन हुआ एवरी कॉम्पोनेंट पे एक यहाँ पे डॉट आ रहा है। ओके आप देख सकते हो एक डॉट यहाँ पे शो कर रहा है। अब आपको जो जो इंस्टेंसेस नहीं चाहिए इस पे क्लिक कीजिए, अब देखो यहाँ से ये चला जाएगा इंस्टेंट एंड यहाँ पे उसका डायमेंशन आ जाएगा। अगेन ये नहीं चाहिए मुझे। ओके सो ये मिडल के दो इंस्टेंसेस मुझे नहीं चाहिए एंड मैंने ओके किया। अब आप देख सकते हो आपके पैटर्न में ये दो इंस्टेंसेस डिलीट हो जाएंगे और स्किप हो जाएंगे। ओके तो आप ऐसे किसी भी एंटिटी को इसमें से स्किप कर सकते हो। ओके एडिट फीचर, नाउ अगर आपको अगेन चाहिए सो इसे राइट क्लिक करके क्लियर सिलेक्शन कर दीजिए, ये अपने आप आ जाएंगे। ओके अब देखो इसमें नेक्स्ट ये फुल प्रीव्यू पार्शियल प्रीव्यू ये आपको शो करने के लिए ओनली। ऑलराइट अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसमें होगा इंस्टेंसेस टू वेरी। अब इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ओनली सिंगल डायरेक्शन में यूज करेंगे, सो डायरेक्शन जो टू था वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। ओके अब देखो सिंगल डायरेक्शन में ये हमारा पैटर्न था। ऑलराइट अब आप देख सकते हो एवरी जो सेकेंड ब्लॉक क्रिएट हुआ है उसका रेडियस देन हाइट डिस्टेंस सेम ही है। ओके अगर ये आपको वेरी करना है तो उसके लिए भी सॉलिड वर्क्स में ऑप्शन है। ओके लास्ट में आ जाओ इंस्टेंसेस टू वेरी यहाँ पे रहेगा, अब इसे पहले तो चेक कर दो तो ये ऑन हो जाएगा। ओके अब इसके बाद फर्स्ट वन यहाँ पे देख सकते हो आप डायरेक्शन वन इंक्रीमेंट। अब डायरेक्शन वन में हमने डिस्टेंस कितना दिया है 30, इसे मैं कम कर रहा हूँ 20 किया मैंने, मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड में ये 20 का डिस्टेंस है। अब यह यहाँ पे मैंने अगर डायरेक्शन वन इंक्रीमेंट ऐड कर दिया 5 का। ओके एंड नाउ ओके कर दिया, अब देखो डिफरेंस ये फर्स्ट दोनों में 20 का डिस्टेंस होगा, सेकेंड एंड थर्ड में 20 प्लस 5 25 का आ जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ में 25 प्लस 5 30 का आ जाएगा एंड फोर्थ एंड फिफ्थ में 30 प्लस 5 35 का आ जाएगा। ओके मीन्स ये अब ये डिस्टेंस इंक्रीमेंट होते जा रहा है। ऑलराइट क्योंकि हमने यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्शन वन इंक्रीमेंट ऐड किया है 5 का। ओके अगर इसे जीरो किया तो अगेन आप देख सकते हो एक ही लोकेशन पे आ जाएगा। इसे मैंने जीरो किया एंड डिस्टेंस अगेन 30 किया, अब क्या चेंज करना है। अब देखो अगर आपको इसका डायरेक्शन ये जो था डिस्टेंस इंक्रीज नहीं करना, मुझे इसका हाइट इंक्रीज करना है इस डायरेक्शन में। सो अगेन यहाँ पे जो ब्लॉक है अब आप देख सकते हो चूज फीचर डायमेंशन टू वेरी इन डायरेक्शन वन, इस पे क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ पे जो हाइट का डायमेंशन होगा इसे सिलेक्ट कीजिए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू 10 mm एंड इंक्रीमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इंक्रीमेंट पे डबल क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 से इंक्रीमेंट करना है इसे। ओके एंड अब आप देख सकते हो ये 10 का है सो ये 15 का रहेगा, ये 20 का रहेगा, 25 का रहेगा एंड ये 30 का रहेगा। तो क्लियरली आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि इसका हाइट इंक्रीमेंट हो रहा है। ऑलराइट अगेन एडिट फीचर, आप मल्टीपल इंक्रीमेंट्स भी दे सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमने हाइट, अब मुझे रेडियस भी इंक्रीमेंट करना है इसका, तो इसी ब्लॉक में क्लिक करके रेडियस जो रहेगा R4 उस पर क्लिक कीजिए। अब देखो रेडियस भी ऐड हो गया, रेडियस मुझे 2 mm से इंक्रीज करना है इसका, डबल क्लिक करके 2 ऐड कर दीजिए एंड ओके। अब आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट का रेडियस 4 था, ये 6 होगा, 8 होगा, देन ये रहेगा आपका 10 एंड ये रहेगा 12। ऑलराइट तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट इंक्रीमेंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके सो ये था हमारा आपका जो भी इंस्टेंसेस टू वेरी है। अगर आपको सेकंड डायरेक्शन में भी करना है, अब देखो सेम इसमें मैं सेकंड डायरेक्शन ऐड कर रहा हूँ, डायरेक्शन 2 सिलेक्ट किया मैंने डायरेक्शन, नेक्स्ट
इंस्टेंसेस इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, ओके 4 किए मैंने, ऑलराइट। अब नाउ इसमें देख सकते हो आप, जैसे डायरेक्शन 1 था वैसे ही डायरेक्शन 2 भी आ गया। अब मैंने यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट नहीं किया, तो डायरेक्टली ओके करूंगा, तो आप देख सकते हो ये जो है ये ऑल सेम डायमेंशन के होंगे, सेकेंड ऑल सेम डायमेंशन का होगा, थर्ड सेम डायमेंशन का होगा, ओनली ये एक डायरेक्शन 1 में इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर आपको डायरेक्शन 2 में भी इंक्रीमेंट करना है सो सिंपल है, अगेन इसे एडिट कीजिए, डायरेक्शन 2 का जो फीचर यहाँ पे विंडो होगा इस पर क्लिक कीजिए, देन आपको क्या इंक्रीमेंट करना है, मुझे हाइट इंक्रीमेंट करना है, सो यहाँ से मैंने हाइट सिलेक्ट किया एंड हाइट में मुझे डायरेक्शन 2 में भी 5 से इंक्रीमेंट चाहिए, ओके। एंड अब आप देख सकते हो इससे ये 5 से हाइट इंक्रीज हो गया, अगेन 5, अगेन 5, एंड टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऐसे आ जाएगा आपका, ओके। सो इस तरह से आप मल्टीपल फीचर्स एक ही कमांड में यूज कर सकते हो, ओके। फर्स्ट हमने देखा सिंगल डायरेक्शन में कैसे पैटर्न करना है, नेक्स्ट दोनों डायरेक्शन में कैसे पैटर्न करना है, ये ओनली सिलेक्शन के लिए, आपको जो एंटिटी पैटर्न करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट होगा। इंस्टेंसेस टू स्किप में जो भी एंटिटी आपको स्किप करना है उस पर आप ओनली क्लिक कर सकते हो एंड वो एंटिटी स्किप हो जाएगा, जैसे हमने अब ये दो एंटिटी स्किप की है, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, देखो इंस्टेंसेस टू वेरी मीन्स आपको इनके डायमेंशन वेरी करने हैं, तो ओनली वो यहाँ पे क्लिक करके आपको डायमेंशन सिलेक्ट करना है, दोनों डायरेक्शन के लिए अलग अलग विंडोज है, एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट्स ऐड करने हैं यहाँ पे, और अब देखो यहाँ पे टैग आ रहा है, इसमें भी आप चेंज कर सकते हो, एंड फाइनली ओके, ये आपका कंप्लीट पैटर्न हो जाएगा, ओके। तो ये था आपका लीनियर पैटर्न, ऐसे हम लोग वन बाय वन एवरी लेक्चर में कवर करेंगे।